अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू शाइस्ता ज़िया व्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी और बेसन की बर्फ़ी। वीडियो पूरी देखिएगा, अच्छे लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, हम हमारी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक कप मैंने सूजी ले ली थी, उसे छान लिया था और अब हमें इसे भूनना है जब तक कि इसमें खुशबू ना आने लग जाए। और फ्लेम बहुत आहिस्ता रखिएगा। और अब हम चम्मच को हिला लेते हैं, चम्मच रोकना नहीं है हमें, चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। आप ये देख सकते हैं कि जो सूजी है इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया और खुशबू भी आने लग गई है। तो अब जो है हम इसको किसी बाउल में निकाल लेंगे और अब हम इसी फ्राई पैन में एक कप बेसन का ले लेंगे, उसे हम भून लेंगे जब तक इस पर खुशबू ना आने लग जाए। तो जैसे ही हल्का सा रोस्ट हुआ है, मैंने इसमें आधा कप घी का डाल दिया है और अब हम कर लेंगे इसको अच्छे से मिक्स। और अब इस पर उबाले आना शुरू हो गए हैं तो हमें इस चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है और फ्लेम को हमने आहिस्ता ही रखना है। अब हम इसको उतार के शेल्फ पर रख लेंगे और जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ था हमारा सूजी का, जो उस पर हम इसको डाल देंगे। तो अब हम हमारी चाशनी बनाने की तरफ चलते हैं। इसी फ्राई पैन में हम एक कप चीनी का ले लेंगे और आधा कप पानी का ले लेंगे और हमें इसको चाशनी के फॉर्म में लेके आना है। तो आप देखें कि जो चीनी है वो मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम चम्मच को मुसलसल हिला रहे हैं और अब हम इसमें 4 से 5 इलायचियाँ डाल देंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। और अब आप ये देख सकते हैं कि इसके हमने तार बनाने की कोशिश की है, तो तार बहुत छोटी सी बनी है, बहुत लंबी तार नहीं बनी है। उसका मतलब है कि हमारी जो चाशनी है वो पक के तैयार हो चुकी है, हमें इसको थोड़ी सी देर के लिए और पकाना है। चम्मच को आपने रोकना नहीं है, चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। तो अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और जो हमने सूजी और बेसन का मिक्सचर बनाया था उसको हम चाशनी में शामिल कर देंगे और हम इसको फ्लेम के बगैर अच्छे से मिक्स करना है ताकि सब चीज़ें आपस में अच्छे से हल हो जाए। और अगर आपको लगे कि मिक्सचर थोड़ा सा पतला है तो आप इसको 1 से 2 मिनट के लिए चूल्हे पर पका लीजिएगा। और अब जो हम इसको अच्छे से कर रहे हैं मिक्स, तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर कर लें और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दें और वीडियो को आगे शेयर भी कर दें। और अब ये देखें कि हमने एक बाउल ले लिया, उसे हमने घी से ग्रीस कर लिया है। तो अब हम इस जो हमने बर्फ़ी बनाई है उसको हम इस बाउल में डाल देंगे और आप ये देख सकते हैं कि कितना स्मूथ मटीरियल बना है इसका। तो अब हम इसको चम्मच की मदद से जो इसकी शेप है उसको सेट कर लेंगे और 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे, तब तक ये सेट हो जाएगा। अब हम इस पर बादाम कटिंग करके डाल रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट इस पर डाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अब हम करते हैं इसकी कटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही नरम और मज़ेदार बनी थी, अगर फिर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।